Vinda, very quickly, now the bigger question that will be on everybody's mind is, kya Modi Sarkar April 2017 ki timeline ko will they be able to deliver? Kya GST rollout ho paayega April 2017 se? Aur kya iske liye desh tayyar hai? Halanki Infosys, TCS, ye sari companies jo iska backbone hai, infrastructure hai, us par kaam already shuru kar chuki hai, sarkar ki taraf se unhe contracts issue ho chuke hai. But kitni sambhavna hai is bade reform ke lagu hone ki 1 April 2017 se? Amendment number 3 by Sri Navadeep Krishna. Amendment number 23. Vrinda, aap sun pa rahi hai kya? I don't think Vrinda tak awaaz ja rahi hai, lekin is bhi Rajesh hamare saath is. Yes. Yeah, Vrinda, please go ahead. Yeah. Hello, hello. Go ahead, go ahead. Hello. Ha. Yes. नहीं ये तो जैसे आपने कहा ये तो बहुत ही हिस्टोरिक दिन है आज और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मैटर डिस्कस हुआ जीएसटी बिल पास होना तो इट्स रियली अ ग्रेट कॉज फॉर सेलिब्रेशन आई शुड से अभी ये तैयार जो बैकबोन है इसका मेन प्रॉब्लम है आईटी बैकबोन इसका प्रिपरेशन काफी समय से चल रहा है एंड इतने जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि द सिस्टम इज इन प्लेस और आईटी बैकबोन तो रेडी है तो इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 1 अप्रैल से इट विल बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस बिल्कुल इस बीच राजेश भी हमारे साथ हैं राजेश क्विकली अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसे आप जल्दी से एक बार ये सारे संशोधन क्लियर हो उससे पहले अगर हमारे दर्शकों को समझा पाए बिकॉज एक के बाद एक सारे अमेंडमेंट्स पर वोटिंग हो रही है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि संशोधित बिल का जो ड्राफ्ट है उसमें जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसमें सरकार को इंक्लूड करने पड़ेंगे जो कुछ ऑब्जेक्शंस कांग्रेस ने रखे हैं तो क्विकली अब यहां से आगे जीएसटी को लागू करने का रोल आउट का प्रोसेस जो है उसे अगर आप क्विकली दर्शकों को समझा पाए बिल्कुल देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है यानी कि टैक्सेशन रिफॉर्म का बहुत बड़ा रहा है तो ये एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा उसके बाद इस तरह के बिल सभी राज्यों को पास करने होंगे 29 राज्य में से 2/3 राज्य जिस दिन ये बिल पास कर लेंगे वो उस दिन ये बिल फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आएगा और ये माना जा रहा है जैसा कि अरुण जेटली ने बोला है कि ज़्यादातर राज्य अगले 2 से 3 महीने में इस बिल को पास कर लेंगे उसके बाद फिर जीएसटी बिल जो है वो नवंबर दिसंबर में यानी विंटर सेशन में पार्लियामेंट में आएगा उस बिल के पास होने के बाद जीएसटी काउंसिल का गठन होगा फिर जीएसटी काउंसिल जिसमें मेंबर्स फाइनेंस मिनिस्टर होंगे एमओएस फाइनेंस होंगे और हर राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे इनकी स्ट्रेंथ होगी और ये लोग फिर डिसाइड करेंगे कि जीएसटी रेट्स क्या हो जो सीए के कमेटी ने रेट जो ऑफर किया है उसमें एसेंशियल कमोडिटी पे 0% रेट है 18% रेट है और लग्जरी गुड्स पे करीब 40% का रेट है तो ये 4 रेट उन्होंने 0% 12% 18% और 40% का रेट ऑफर किया है तो ये जीएसटी काउंसिल फाइनली रिकमेंड करेगी रेट उस रेट को अप्रूव किया जाएगा और फिर उसके बाद जीएसटी लागू होगा जहां तक बैकबोन का सवाल है ऑलरेडी इन्फोसिस और टीसीएस को दिया गया है इसका कॉन्ट्रैक्ट काम इस पर चल रहा है जीएसटीएन जो है वो 10 राज्यों के साथ नेटवर्क बना रही है राज्य के जीएसटी के लिए तो ऑलरेडी काम हो रहा है और अगर इसी गति से जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब कुछ होता रहा तो अप्रैल 2017 से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस वक्त हमारे साथ माधव लाल जी भी हैं उनसे बात करते हैं फॉर्मर एमएसएमई सेक्रेटरी सर जीएसटी बिल पास होने के बहुत कगार पर है क्योंकि अब अमेंडमेंट्स पर अभी वोटिंग चल रही है तो हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी है मोदी सरकार के लिए एमएसएमई सेक्टर की बात की जाए एक बहुत बड़ा कदम इसके लिए आप मानते हैं हाँ देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो सदन में राज्यसभा में डिबेट हुई है और उसके बाद ये बिल पास किया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो इसके आने से जो सेंटर है और स्टेट्स हैं उनको इख्तियारात हासिल होंगे कि जीएसटी किस तरह से लागू किया जाए उसके उसके बारे में जो कानून है वो लाए जाएंगे यानी जीएसटी की ऑपरेशन सेंटर के जरिए और स्टेट के जरिए किस तरह से होगी वो उन कवानीन में सामने लाया जाएगा तो आज जो है ब्रॉडली इसका जीएसटी का क्या फ्रेमवर्क रहेगा जिस पे के सबका इत्तफाक हुआ है वो राज्यसभा के सामने था मगर इसकी जो निटिग्रिटी है वो सब्सिक्वेंट बिल्स के तहत मालूम होगी जहाँ तक आपने कहा एमएसएमईज पर इसका क्या असर होगा मेरे ख्याल में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं ये इकोनॉमी की बैकबोन है और ये हर एक ही वैल्यू चेन
अगर आप कंसिडर करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो सर्विसेज में हो, एमएसएमईज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। जीडीपी में एमएसएमईज का टोटल कंट्रीब्यूशन जो है 36% के लगभग है, अगर आप सर्विसेज को इंक्लूड करें जिसमें के 29% है और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 7% है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो 45% है। तो जैसे मैंने कहा कि वैल्यू चेन्स में एमएसएमईज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जीएसटी के आने से कॉन्सेप्चुअली मैं ये कहूँगा कि एमएसएमईज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, मगर कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी, वॉच करनी होंगी कि इसका जो है कंप्लायंस कॉस्ट क्या रहेंगी एमएसएमईज के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ओके ओके सर, रहिए आप मेरे साथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से टैक्सेशन अभी तक चल रहा है उसमें एमएसएमईज के लिए कंप्लायंस कॉस्ट एक मुद्दा रहा है। बिल्कुल स्वाति, और कह सकते हैं कि भारत में के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन जिसका इंतजार सब कर रहे थे वो आ चुका है, और जीएसटी का अमेंडमेंट बिल जो है वो राज्यसभा ने लगभग पास कर दिया है और अब राज्यों की विधानसभाओं में भी जाएगा, उसके बाद जीएसटी बिल आएगा। उस पर भी बात हो रही है कि आप उसको मनी बिल लाएंगे कि फिनेंस बिल लाएंगे, लेकिन ठीक है, एक हम आगे तो बढ़े हैं और एक बहुत बड़ा कदम भारत के इतिहास में, टैक्सेशन के इतिहास में, वन इंडिया वन टैक्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं। मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट है, मेरे साथ कांग्रेस से जयवीर शेगल है, हिमांशु में टैक्स एक्सपर्ट, और मेरे साथ सीए है अंजालिका चोपड़ा। अंजलिका, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे अंजलिका, क्योंकि बहुत बहस हुई और बहुत बातें हुई जीएसटी को रेट को लेकर, मनी बिल फाइनेंस बिल को लेकर, लेकिन इन वन लाइन क्या आपको लगता है कि जिस रिफॉर्म का इंतजार पूरा देश कर रहा था आज हमारे देश की संसद ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है, अमेंडमेंट बिल लगभग पास हो चुका है? डेफिनेटली, इनफैक्ट कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, एक्सपेक्टेशन है काफ़ी। इन्होंने ऑफकोर्स पूरा हिस्ट्री ले डाउन किया कि कितने मोर देन अ डिकेड से इस पर डिस्कशन चल रही है। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कंट्री एंड वी लुक फॉरवर्ड टू दिस बींग अ वेरी पॉजिटिव चेंज फॉर द कंट्री। डेफिनेटली हिमांशु, आपको भी लगता है? और सवाल यही है कि रेट पर अभी बात नहीं बन रही है, तो रेट पर बात नहीं बनेगी तो क्या बात फंसेगी? हो सकता है, अगर रेट पर बात नहीं बनती तो कांग्रेस ही सबसे बड़ा रुड़ा कहीं ना कहीं ये खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर ही जाके एक तरह का जो कॉन्सेंसस और जो सहमति बनानी है रेट को लेके ही बनानी है, जो इसमें दोनों का विन विन सिचुएशन खड़ा हो पाए। तो अभी तक अगर कांग्रेस की स्टेटमेंट देखें तो लेट्स टेक कांग्रेस पॉइंट हियर, जयवीर क्या होगा कांग्रेस का अगला कदम अगर रेट पर सहमति नहीं बनती, क्योंकि अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि 18% पर राज्य बहुत सारे अपनी सहमति नहीं जता रहे। गौरव जी, अगले कदम से पहले तो आज मैं बहुत खुश हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जिस बात हम सभी खुश हैं 2007 में रखी और हम पे आरोप भी बहुत लगे हैं, आपका आप जानते हैं। हाँ। पिछले दो साल से कांग्रेस की मांगे जायज नहीं हैं, पर हमारी तीन मांगों में से आज दो जायज मांगे मौजूदा सरकार ने कबूल की, तो एक बहुत बड़ा दिन है, खुशी होती माननीय प्रधानमंत्री भी आज होते, आज पूरा देश मुस्कुरा रहा है, पर माननीय प्रधानमंत्री संसद में नहीं थे। आगे जाने से देखिए गौरव जी, मैं कह रहा था आपके चैनल में, एक आम आदमी इस जीएसटी के पेचीदापन और ये कर ढांचा जो बहुत जटिल ढांचा है इसको नहीं समझता, वो तो जानता है कि मुझे कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा, जब वो बिल देखता है वो अपने दिल को पकड़ लेता है। 17 डिफरेंट तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इस देश में, एक ट्रक सिर्फ 280 किलोमीटर प्रतिदिन चलता है बल्कि 800 किलोमीटर प्रतिदिन चलना चाहिए, 17 टैक्स आम आदमी उसमें उलझ जाता है, तो आज रेट ही सबसे अहम चीज होगी। अच्छा, हम ने तब भी पहरा दिया था, पिछले दो साल से दे रहे हैं आम आदमी के लिए, आज भी देंगे। इनकी एडवाइजर रिपोर्ट जो सरकार की इकोनॉमिक एडवाइजर है पैरा 29 और 30 में लिखा है कि 16% होना चाहिए, बाकी देशों में 16.28% है, इनकी एक्सपर्ट कमेटी अगर मेरा याददाश्त ठीक है 27% कह रही है, सरकार का एक बॉडी 16%, एक 27%, कांग्रेस 18%, तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत एक लंबा सफर तय करना है, शुरुआत जरूर हुई है सफर बहुत लंबा है, और आम आदमी के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए सोचना पड़ेगा। गौरव जी, उत्तरी भारत में पिछले वर्ष 21,224 फैक्ट्रियां बंद हो गई। नहीं नहीं, लेकिन सवाल ये है कि उन राज्यों में अगर कांग्रेस के राज्य भी शामिल हैं, आप भी कर राज्यों में हैं, अगर कांग्रेस के राज्यों ने भी कहा कि भाई 18% पे हमें नुकसान होगा, तब क्या कांग्रेस का स्टैंड होगा? देखिए, हमारे लिए सरकारें चलाने से ज्यादा अहम आम आदमी,
जब हमने आज चिदम्बरम जी ने साफ कहा है 18% हर गणित से, हर इकोनॉमिक प्रिंसिपल से, हर बातों को देख के ही ठीक रेट बैठता है। अब अपने इकोनॉमिक एडवाइजर की बात नहीं, हम उस बात पे आज की तारीख में टिके रहे। कि हर फाइनेंस मिनिस्टर ज्यादा रेवेन्यू चाहता है, लेकिन रेवेन्यू से ज्यादा आपको देश के बारे में सोचना है। और गौरव जी, जेटली साहब ने कहा आज उनकी सिरदर्दी है, पिछले 10 वर्ष से सिरदर्दी दे रहे थे मिनिस्टर होना। चलिए आपके पास लौट कर आते हैं। इस बीच अब्दुल बारी सिद्दीकी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर बिहार से। सिद्दीकी जी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वोटिंग अभी अमेंडमेंट्स पर चल रही है, लेकिन जिस तरह का टोन है, हो सकता है सरकार को थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़े, खासकर जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है उसे लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा बहस आज अगर किसी चीज पर सदन में हुई है तो आरएनआर को लेकर ही हुई है। लेकिन मोटा मोटी अब ये क्या कह सकते हैं कि देश एक नया इतिहास आज रचने जा रहा है। चलिए, शायद संपर्क टूट गया, हम फिर से उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच नवाब मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। एंड मिस्टर मलिक, अब तक जिस तरह का है रुझान, आप देख ही रहे हैं जिस तरह से वोटिंग हो रही है, ऑलमोस्ट हर एक अमेंडमेंट पर पूरी मेजोरिटी जो है वो वोट कर रही है जीएसटी को, तो कहीं ना कहीं ये दबाव जो विपक्ष है उनके ऊपर ये बन गया था। क्या बीजेपी ये संदेश आम लोगों तक पहुंचाने में सफल रही कि हम देश में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं जीएसटी के जरिए, लेकिन जो विपक्ष है वो हमारी रफ्तार को कमजोर कर रहा है या फिर हमें रोक रहा है? क्लॉज 14 स्टैंड पार्ट ऑफ द बिल, देयर आर टू अमेंडमेंट्स। देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो अड़ियल रवैया था उसमें बदलाव आया है। यहाँ पे कोई मेजोरिटी से बिल नहीं पारित हो रहा है, यहाँ पे एक मत से सभी लोग एक सुर से उसको 100% वोट से पास कर रहे हैं। हमें लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहमति बनाकर अगर काम किया जाए तो काम में आसानी होती है। सहमति बनाने का प्रयास किया गया, सहमति बन गई। 10 साल से जो मामला प्रलंबित था, जिसे सत्ता में रहने वाले लोग विरोध करते रहे, विरोध में रहने वाले लोग बिल लाते रहे, इस तरह की परिस्थितियाँ थी, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति बनी। तो आज बहुत सारे क्लॉज हमने देखे कि 100% वोटिंग से पास हुए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ और एक खास मेहमान है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हमारे साथ सीधे इस समय मौजूद हैं बिहार से फोन लाइन पर। मिस्टर सिद्दीकी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब इनफैक्ट बिहार ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। उन्होंने सबसे पहले जब सही वक्त आया उस समय जो बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसे साइड में रख के सबसे पहले ओपनली आकर ये कहा कि जीएसटी ना सिर्फ बिहार के बल्कि देश के हित में है और हम इसके साथ खड़े हैं। आज जब ये मौका आया, अभी भी आज आपने बयानबाजी सुनी होगी जिस तरह की हुई है संसद में, और काफी डिबेट रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को लेकर हुई है, आपका व्यू इस पर क्या है? देखिए, ऐसा है कि बिहार में ऐसे मामले में बहुत पॉजिटिव रुख रहा है। ये सिर्फ जीएसटी के मामले में ही नहीं, पहले भी जो फ्लोर रेट लागू हुआ था या वैट लागू हुआ था तो उसमें हम लोगों ने अपना पॉजिटिव राय ही दी, अपनी राय दी थी। और जीएसटी के मामले में भी जो इम्पावर्ड कमिटी है और उस इम्पावर्ड कमिटी में डिफरेंट स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर मेंबरान हैं, तो दो मीटिंग हुई इधर अभी, एक मीटिंग हुई कलकत्ता में 14 और 15 जून को और एक मीटिंग अभी हुई दिल्ली में 26 जुलाई को। तो जो इम्पावर्ड कमेटी का सर्वसम्मत प्रस्ताव जीएसटी बिल के में फेवर में था, और जो लोग कुछ मैन्युफैक्चरर स्टेट भी थे वो लोग भी राजी हो गए, तो अब मुझको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी अपनी राय दी थी, और फिर इम्पावर्ड कमेटी में हम लोगों ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर हम लोगों ने भी अपनी राय दे रखी थी। और हम लोग आशान्वित थे कि जब इम्पावर्ड कमेटी मान गई है, जो डिफरेंट स्टेट में सरकार है, डिफरेंट पार्टीज की सरकार है, तो अब जब इम्पावर्ड कमेटी से सर्वसम्मत पास हो गया है, तो अब मुझको लगता है कि ये अमेंडमेंट लाने में जो है वो सहमति बन जाएगी, और इसके लिए हम लोगों की जो आशा थी उस आशा के अनुरूप हो रहा है। मगर फाइनली जब मैं संविधान संशोधन में यह बिल पास हो जाएगा और इसका रूपरेखा जब मतलब देश के सामने आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा, तो फिर हम लोग फिर देखेंगे। मगर अभी तो हम लोगों का जो राय था उस राय के अनुरूप ही जो है ये बिल लाया गया है।
जी प्रेजेंट रूपरेखा में आपको लगता है कि कुछ और इसमें जोड़ा जाना चाहिए, कुछ कमी है आपको लगती है? नहीं नहीं, उसमें जो एम्पावर्ड कमिटी में यह भी फैसला हुआ है कि अगर इसमें किसी तरह का तरमीम करने की जरूरत है या कोई भी है तो वो जीएसटी के जो कमिटी रहेगी उसको वो पावर रहेगा। तो इस पे सारे राज्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। जी गौरव, आपको मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी आपके साथ भी, क्योंकि पैनलिस्ट हैं और वो भी अगर इस पर कोई अपना पॉइंट रखना चाहे। बिल्कुल स्वाति, मैं आऊंगा उससे पहले मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आपसे मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो आपने कहा था कि इससे पहले वैट आया था और वैट को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन अभी भी देखें बिहार जैसे स्टेट में केवल 100,000 व्यापारी हैं जो वैट के तहत रजिस्टर है। सर तो आपने कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर और मशीन इंप्लीमेंटेशन पर सवाल उठाया था जीएसटी को लेकर भी, कि आपके मन में ऐसी आशंकाएं हैं, बजाय इसके जब सरकार कह रही है कि हम 1 अप्रैल 2017 से इसे लागू करेंगे, आपको लगता है 1 अप्रैल 2017 से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि हम इसे पूरे देश में लागू कर पाए? सर देखिए ऐसा है कि जो हमारी शंकाएं थी उसको हमने इम्पावर्ड कमिटी में रखा था और उसमें हम आज भी कायम है। हमने पहले भी कहा था कि जो वैट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ अपने मुल्क में तो उसके में दो मकसद थे, एक मकसद था कि टैक्स का सरलीकरण करना है और दूसरा मकसद था कि टैक्स बेस बढ़ाना है। तो अगर जब देर हो तो कोई हर्ज नहीं है, मगर हड़बड़ी में कोई बिल लाने से वो जो है जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो बंगाल में कलकत्ता में मीटिंग हुई 14 और 15 जून को और फिर 26 जुलाई को जो मीटिंग हुई दिल्ली में, तो इन सारी शंकाओं को स्टेट की तरफ से रखा गया था और फिर जब शंकाएं दूर हुई तब सर्वसम्मति बनी। सर आरएनआर रेवेन्यू, इस बीच केकी मिस्त्री एचडीएफसी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर मिस्त्री, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लंडन, बट वी हैव गुड न्यूज फ्रॉम इंडिया। अच्छा, यू आर इन बॉम्बे ऑलरेडी, वेरी गुड। सो वी हैव गुड न्यूज हियर नाउ दैट द बिल इज इट्स अ सर्टेनिटी दैट द बिल विल बी पास्ड। जितने भी अमेंडमेंट्स हैं सारे काफी मेजोरिटी से पास हो रहे हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन इज बेसिकली अच्छा है। It continues to show reforms जो foreign investors were looking forward to। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, very nice। इस implementation में भी कैसे होगा, how long it will take, we have to still understand। The other thing we have to understand is what it does for real estate। So real estate कैसे included है, what would be the rate, these are some of the key issues। Right. But on principle, GST is a very good thing because जो अभी जो tax leakages हो रहे थे, those tax leakages will go। राइट सर, ऑल्सो वन मोर थिंग, आज जो हाउस में भी डिबेट हुई है ना उस पर दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिबेट हुई। वन इज दिस शुड बी प्रेजेंटेड एज अ फाइनेंस बिल एंड नॉट एज अ मनी बिल, ठीक है, दैट्स अ प्रोसीजरल इशू। बट द सेकेंड पार्ट, द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, एंड जो एक कांग्रेस की बहुत बड़ी डिमांड थी, प्रमुख डिमांड थी, वन ऑफ द की डिमांड्स, कि ऑलमोस्ट 70% गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसके ऊपर रेट 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ दैट्स अ टाइट रोप वॉकिंग विच आई थिंक बीजेपी विल हैव टू डू गोइंग फॉरवर्ड। पर इन सब को ध्यान में रखते हुए आर यू ऑप्टिमिस्टिक दैट द इम्प्लीमेंटेशन विल हैपन फ्रॉम 1st April 2017? First April 2017, I mean, what procedure that's left is, I think all states will have to approve it also. So states se baat sab bol lena chahiye. I think one has to understand the full implications. Abhi, for example, housing ke liye kya hai? What is the rate for housing? Today, if you are buying a house, you pay stamp duty, you pay VAT, you pay several other taxes. Abhi, ye sab taxes pe jayenge. Stamp duty may still remain, but the other taxes will go away. Those should be substituted by GST. Abhi GST ki rate kitni hogi? Will it be much more than what the present, the total of all the existing taxes is? Agar jo bahut zyada ho gayi, to it will make, it will increase the cost of a house to a taxes. So ye, housing ke liye kya hoga, wo phir bhi. Jimane se suna nahi chahi. Right. Also, Mr. Mistry, now the other part of it, is, you know, there's a history behind this. जब जब ये बिल जहाँ जहाँ द जी एस टी हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद आने वाले 2-3 साल में महंगाई जो है काफ़ी बढ़ी है। टूडे इनफैक्ट मिस्टर चिदम्बरम ऑल्सो मैंशन दैट, कीपिंग दिस इन माइंड, और जिस तरह का इस समय द रेट एनवायरमेंट है, अगर ये अप्रैल से लागू हो भी जाता है, देन
एज अ सिस्टम एज एन इकोनॉमी आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट हायर बिट ऑफ इन्फ्लेशन जो अगले दो तीन साल के लिए मे बी हमें झेलना पड़ेगा? इनिशियली टुडे व्हेन वी लुक एट ऑल द टैक्सेस दैट वी पे, इतने सारे टैक्सेस हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्ट्रॉय, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्स टैक्स, विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेरियस अदर टैक्स. अगर ये सब की टोटल हम वी वांट टू टेक, आई डोंट थिंक द रेट इज गोइंग टू बी वेरी लो. सो देयर इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स विच वी आर पेइंग विच इज नॉट इन वन फॉर्म, इट इज कमिंग इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स दैट वी डोंट इवन आई डोंट इवन नो इफ वी आर एबल टू मेजर हाउ मच टैक्स वी आर पेइंग. So long as the implementation doesn't result in a significant increase in that tax level, it is fine. If it's marginal increase will be there, but it should not be a substantial increase. The main thing is that for the government, the collection becomes a lot easier. As Josh is about collection as well. Collection, agar ho jayega, if collection improves, the efficiency of the collection mechanism gets better, then more money gets collected. So aaj kaafi tax leakages hai, those leakages go up. गौरव, एज इफ अभी कांग्रेस कह रही है कि 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अभी एफ एम अरुण जेटली ने बोला कि मोस्ट ऑफ स्टेट्स आर सेइंग कि 18% इज़ नॉट एनफ द स्टेट्स एंड उनका हक मारा जाएगा. तो सर अभी इन्फ्लेशन को लेकर 18% पे ही कहा जा रहा है कि अगर 18% पे आरएनआर आता है तो जीएसटी की वजह से इन्फ्लेशन राइज होगा. अगर सर 18% के ऊपर आरएनआर जाता है तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा हिट कर सकता है. व्हाट्स योर पॉइंट ऑन आरएनआर, व्हाट इट शुड बी सर? आई थिंक मिस्टर मिस्त्री तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची. मिस्टर मिस्त्री, इफ यू कैन हियर मी प्लीज स्टे विद अस. हमारे साथ अब किशोर बियानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं. मिस्टर बियानी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, मिहिर हियर. सो फाइनली मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक जो सबसे बड़े रिफॉर्म की उम्मीद थी, वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विद दैट. जीएसटी अब एक हकीकत बनने जा रहा है. अमेंडमेंट्स पर वोटिंग चल रही है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन, जिस तरह की मेजोरिटी के साथ वोटिंग हो रही है, दैट इट विल सेल थ्रू. आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है ऑन दिस? आई थिंक इंडस्ट्री को वेट था, और स्पेशली हम लोग जिस बिजनेस में है, कंज्यूमर गुड्स है, रिटेल है, लॉजिस्टिक्स है, ये जीएसटी जैसे लग रहा है कि टेलर मेड है उसके लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में जो इनकन्वीनियंस है, एफिशिएंसीज है, वो खत्म हो जाती है. इनएफिशिएंसी कंज्यूमर गुड्स में और रिटेल बिजनेस में, क्योंकि लास्ट लेग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिटेल पे होती है, तो उसके जितने सेट ऑफ नहीं मिलते थे वो अब मिलेंगे हम लोगों को, तो उसमें भी काफ़ी कुछ ठीक होगा. इनफॉर्मल ट्रेड जो था वो भी कंपटीशन जो इनफॉर्मल ट्रेड का था और ई कॉमर्स का था, वो भी जो टैक्स बेनिफिट्स थे वो भी चेंज हो जाएंगे. और कंज्यूमर गुड्स बिजनेस अभी सिंगल टैक्स पे होगा, तो उसके कारण प्राइजेस के इम्पैक्ट पे डिमांड की भी क्रिएशन की हम लोग को अच्छी उम्मीदें हैं. तो आई थिंक ओवरऑल हम जिस सेक्टर में हैं, आई थिंक हम लोगों को काफी इसका डिमांड क्रिएशन के लिए बहुत अच्छी चीज आई है हमारे. बिल्कुल मिस्टर बियानी, साथ ही एक जो मैं एक यू नो फ्रॉम कॉमन मैन पर्सपेक्टिव आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ. उसके मन में दो तरह के व्यूज़ हैं. एक तरफ यू नो ये नॉइस है कि इससे महंगाई बढ़ेगी, ये जब कभी लागू होता है आने वाले दो तीन साल तक महंगाई बढ़ती है. बट दूसरी तरफ जैसे आपने खुद कहा, आपके कारोबार में और बहुत सारे बाकी कारोबार में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे बढ़ेगी, गुड्स की मूवमेंट जितनी तेज़ होगी, जितनी फ्री हो पाएगी, इन सब के चलते ओवरऑल जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगी फॉर पीपल हु ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज. सो नेट नेट क्या ये माना जाए कि एक आम आदमी के लिए चीज़ें सस्ती होंगी और सहूलियत बढ़ेगी फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन? आई थिंक बिल्कुल सही आपने बताया कि मीडियम टर्म में, मैं नहीं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में. शॉर्ट टर्म पे क्या इम्पैक्ट होगा समझ में नहीं आएगा अभी फिलहाल, जब तक रेट्स भी नहीं आते समझ में नहीं आएगा कि क्या इम्पैक्ट आएगा. बट अगर आप बैलेंस देखेंगे तो जो इनफॉर्मल ट्रेड जो टैक्स नहीं भरता है वो टैक्स के एम्बिट में आ जाता है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होती है, तो बिजनेसेस को बिजनेस करने में काफ़ी सुविधा होगी. मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में प्राइजेस कम ही होंगे इसके कारण, बिकॉज लॉजिस्टिक कॉस्ट भी 11-13% होती है एमआरपी. अगर 2-4% उसमें बचत होती है तो वही एक बचत है. हर चीज में एक बचत की संभावना है. और टैक्स मतलब टैक्स में भी बहुत एफिशिएंसी आएगी क्योंकि कलेक्शन का भी कॉस्ट लगती है, इतने कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं. तो मैं समझता हूँ ओवरऑल एफिशिएंसी इसमें बहुत है और डिमांड क्रिएशन के लिए बहुत अच्छी चीज है. जी किशोर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये एक सिंगल बिगेस्ट रिफॉर्म है पोस्ट 91? आई थिंक इंडिया जैसे इतने स्टेट्स हैं, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, और एक यूनिफाइड मार्केट क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक
इंडिया आज भी स्टेट वाइज हम लोग के इतने लॉज अप्लीकेबल थे, कहीं एंट्री टैक्स है, कहीं ऑफ ट्राई है, कहीं पे एक फॉर्म दिया जाता है, ट्रकें रुकती है, इतने कॉम्प्लिकेशन थे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज जो एक माल हमारा नागपुर से निकलता है और हमारे स्टोर में छः छः दिन लगते हैं, कभी आठ आठ दिन लगते हैं, दस दस दिन लगते हैं, तो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो विच इज़ वेरी हाई। जब ये फ्री मूवमेंट होता है उस बिजनेस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसको मेजर नहीं किया जाता है अमाउंट में, बट एफिशिएंसी इज ऑफ डूइंग बिजनेस आई थिंक इंडिया में बहुत जरूरत है उस चीज़ की। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट के मिस्त्री, आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से, चलिए शायद के मिस्त्री इस वक्त हमारे साथ है नहीं।